नमस्कार, मैं संदीप सर। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही रोचक भी है और अच्छा भी लगेगा, और ऐसे प्रश्न आने की संभावना भी रहेगी। तो इसमें बहुत सारा आपको जो कंटेंट मिलेगा वो पीटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन यह क्वेश्चन पूरे का पूरा मेंस बेस्ड है। जरा ध्यान रखेंगे, बिहार के प्रमुख मेलों का वर्णन कीजिए और उनका फिर क्या महत्व है यह बताइए। यदि ऐसे प्रश्न आए तो इसको कैसे डील किया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे ऐसे प्रश्न को डील करने के लिए सबसे पहले आप एक, मैं कहूँ तो इंट्रोडक्शन आप दीजिए, एक परिचय दीजिए। लगभग 20, 30 या 40 वर्ड में आप जरूर लिखें इसका इंट्रोडक्शन मेलों के बारे में। बोलिए कि भारत जो है वह मेलों का देश है, बहुत सारे मेले होते हैं भारत, बिहार भी इसमें कोई अपवाद नहीं है, है ना। तो मेले एक प्रकार के स्थानीय अस्थाई मार्केट टाइप के होते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग, इर्द गिर्द के लोग पहुंचते हैं, और मेलों का आयोजन जो होता है वो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष कारण से होता है। यह भी आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल दे करके, कोई मंदिर के कारण, कोई शिवरात्रि महोत्सव के कारण, है ना, शिवरात्रि के दिन के कारण, कोई मकर संक्रांति के कारण, एक विशिष्ट महत्व के कारण कोई क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध हो गया तो वहाँ कोई मेले का आयोजन हुआ। इस ढंग से आप शुरू कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट होना चाहिए उत्तर का। सेकेंड पार्ट जो आपका होगा वह होगा आप कुछ मेलों के बारे में, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ जरूर, जो इम्पोर्टेंट मेले हैं उसके बारे में आप लिखें, और हर एक के बारे में 2-3 लाइन 4 लाइन लिखते चलें। इसी संदर्भ में हम लोग सबसे पहला सोनपुर का मेला के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लिखेंगे, आपको पता ही है सोनपुर मेला के बारे में, बताइए कि गंगा और गंडक नदियों के संगम पर होता है, है ना, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। और यह बकायदा कार्तिक पूर्णिमा के समय यह शुरू होता है। कार्तिक पूर्णिमा से लेकर के यदि कहा जाए तो कभी कभी एक पखवाड़ा 15 दिन या कभी कभी एक मंथ भी उछलता है, कभी कभी 15 दिन यानी एक पखवाड़ा और कभी कभी एक महीना भी चलता है, कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होता है। इसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हरिहर जो है वो मंदिर है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे वह है जो मेला है, मेला बेसिकली हाजीपुर में पूरा का पूरा मेला आता है। हाजीपुर कहाँ है भैया? वैशाली, कहीं इसको कहीं और मत मार दीजिएगा। तो मेला पूरा का पूरा हाजीपुर में है, वैशाली में पड़ता है, हाजीपुर वैशाली का चाले है। और लेकिन जो हरिहर जो मंदिर है वह सोनपुर में है, ध्यान रखेंगे इस बात को, यही एक दो बातें। और ये क्या है, एक प्रकार से पशु मेला है, इसको लिखना पड़ेगा आप। और एशिया का सबसे बिगेस्ट पशु मेला है, इस ढंग से आप कह सकते हैं, यानी यहाँ पर पशुओं की खरीद बिक्री होती है। तो आप इस ढंग से लिखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ज्यादा मत लिखिएगा, ये नहीं कि पूरा का पूरा प्री लिखना शुरू कर दीजिए, इतिहास बताना शुरू कर दीजिए, ऐसा आप नहीं करेंगे। दूसरा मेला बहुत इंपॉर्टेंट मेला है, सौराठ मेला। सौराठ मेला अपने आप में बहुत यूनिक मेला है, मिथिलांचल क्षेत्र का है और बहुत ही यूनिक मेला है। मधुबनी का, मधुबनी क्षेत्र में सौराठ एक गाँव है, और ये यूनिक इसलिए है कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में ऐसे संस्कृतियां बहुत कम आपको देखने को मिले। एक प्रकार से यह दूल्हे का बाजार होता क्या है कि सौराठ गांव जो मधुबनी में पड़ता है बिहार का, वहां पर दूल्हों की बिक्री होती है। अविवाहित दूल्हे वहां पहुंचते हैं और उनकी एक प्रकार से कहा जाए तो एक बिक्री होती है। लोग जो होता है कुछ बोलियां भी लगाई जाती है, सुनने में आया है, ठीक है वो सांकेतिक है, लेकिन लगाया जाता है और दूल्हे यहाँ खरीदे जाते हैं, परचेस किए जाते हैं। और ये बहुत पुराना है, परंपरा है, और ये ब्राह्मण परिवारों का परंपरा, याद रखेंगे। ये अन्य कास्ट का सभी लोग यहाँ पर मेले में आते हैं, एक तरह से सामाजिक सौहार्द का बहुत अच्छा मेला है क्योंकि ये ब्राह्मणों एक कल्चर से बिलोंग करता है, लेकिन इस मेले में सभी लोग आएंगे, इर्द गिर्द के जितने भी लोग होंगे चाहे किसी धर्म के हो, वो वहां पर एक तरह से मेला का आयोजन हो जाता है और सभी लोग पहुंचते हैं। और
सौराठ जो है एक प्रकार का गांव। अच्छा, सौराठ जो है गांव जो है मधुबनी में, उसकी भी एक अजीब सी एक नामकरण के पीछे एक कहानी है। कहानी यह है कि सौराठ का नाम सौराष्ट्र से पड़ा है, सौराष्ट्र जो गुजरात में। दो ब्राह्मण भाई, एक नाम है भागीरथ दत्त शर्मा और दूसरा थे गंगा दत्त शर्मा, ये मधुबनी के थे। और जब गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था, खासकर सौराष्ट्र क्षेत्र में 1025 में, आपको पता ही होगा एक सोमनाथ मंदिर था, तो कौन नहीं जानता है इस मंदिर को, सोमनाथ मंदिर, तो उसको छन्न भन्न कर दिया। तो ये जो दो भाई थे, यानी भागी भागीरथ दत्त शर्मा और गंगा दत्त शर्मा, ये वहां जाते हैं और वहां से शिवलिंग को उठा करके, जो मंदिर टूट फूट गया, फिर उसको अपने यहाँ लेकर के आ जाते। और कई वर्षों तक वह इसे छुपा करके रखते हैं, किसी को बताते नहीं है। फिर 18वीं शताब्दी में आकर के यहाँ पर दरभंगा राजवंश के एक राजा ने इस क्षेत्र में एक सोमनाथ मंदिर भी बनाया और उस गांव का नाम क्या पड़ गया, सौराठ गांव। एक ये बात है सौराठ गांव के पीछे। दूसरी बात है, माना जाता है कि मिथिलांचल का यह गांव इसलिए भी फेमस है क्योंकि तो एक पौराणिक कथा है कि माँ जानकी का विवाह यही गांव में हुआ, यानी माँ सीता का विवाह इसी गांव में हुआ था। इसलिए यह परंपरा जो है आगे भी बढ़ी, विवाह वाली परंपरा ब्राह्मणों परिवार से संबंधित है, लेकिन अपने आप में ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में एक बहुत ही यूनिक परंपरा है जो बहुत ही अच्छी है, आगे देखा जाए। और एक बात याद रखेंगे वह यह है कि मैंने जैसा कहा कि एक अब तो उतना एडवांस ये नहीं रहा, मतलब उतना ज्यादा ये बच्चों के बीच पॉपुलर नहीं, लेकिन आज भी लोग अपनी संस्कृति को बचा करके आगे चल रहे हैं, आगे चलते हैं। अगला है वैशाली मेला। वैशाली मेला बेसिकली ये जैन धर्म से संबंधित है और जैन धर्म की आपको पता ही है कि जो महावीर जैन, जो जैन धर्म के फाउंडर भी हैं, संस्थापक भी हैं, 24वें तीर्थंकर हैं, उनका जन्म स्थान कुंडल ग्राम, वो वैशाली में ही पड़ता है ना। और आपको सब पता है कि उनके पिता जो थे वो सिद्धार्थ, माता त्रिशला, और पिता जो थे सिद्धार्थ वह इसी कुंडल ग्राम क्षेत्र में रहते थे और यही जन्म स्थान है किसका, वैशाली में क्षेत्र में पड़ता है, किसका है, महावीर जैन का, इसलिए वैशाली मेला होता है। इच्छावांकु राजवंश के राजा थे सिद्धार्थ, उन्हीं का पुत्र था कौन, महावीर। 540 ईसा पूर्व में आपको पता ही है BC में जन्म हुआ था, तो इसके बारे में आप फ्री में बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, आज यह समय नहीं है। दूसरा बात है, यह चैत मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी में यह आयोजित किया जाता है, चैत माह के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी में यह आयोजित किया जाता है। और पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के जो जैन धर्म के फॉलोअर्स हैं, जो बिलोंगर्स हैं, वो पहुंचते हैं और इसमें भाग लेते हैं। आगे देखते हैं अगला। अगला है पितृपक्ष मेला, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदू धर्म का बहुत ही पौराणिक मेलाओं में से एक है और यह गया में आयोजित किया जाता है पितृपक्ष के दौरान, सितंबर और अक्टूबर मंथ में, जो पितृपक्ष होता है उसी में यह आयोजित होता है। और ऐसी मान्यता है कि गया में जो फल्गु रिवर है वहीं पर पिंडदान उस नदी में किया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं। और इससे क्या होता है, जो पहले के जो पूर्वज हैं उनकी आत्मा को शांति मिलती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा मानना है। और इस पूरे माह जो है इस क्षेत्र में जो मेला चलता है उसको पितृपक्ष मेला कहते हैं, गया में फल्गु नदी के तट पर, और मैंने बाकायदा कहा पितृपक्ष के दौरान सितंबर अक्टूबर का महीना। आगे चला जाए, अगला प्रश्न पर देखते हैं। ये एक है मंदार मेला। मंदार मेला जो है ये मकर संक्रांति के अवसर पर बांका जिले में होता है, बांका जिला मकर संक्रांति के अवसर पर। और मंदार एक पहाड़ी है, वहीं पर यह आयोजित होता है, इसको भी जरूर आप इसको लिखें और समझें। आगे देखते हैं,
कुछ और भी इम्पोर्टेंट सब नहीं लिखे, लेकिन हाँ इतना हो सके उतना। जानकी नवमी का मेला, यह बेसिकली यदि कहा जाए यह मेला जो है यह भी यह सीतामढ़ी में होता है। सीतामढ़ी में यह आयोजित होता है जानकी नवमी का मेला, और माना जाता है यह क्षेत्र जहां पर यह आयोजित होता है वह क्षेत्र माँ जानकी का जन्म स्थान है, यानी यही उनका बर्थ प्लेस है सीतामढ़ी, और इसी कारण से यहाँ पर एक मेला आयोजित किया जाता है। यह शुक्ल पक्ष के जैसे मैं आपसे कहूँ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी में यह आयोजित होता है, ठीक है, याद रखेंगे चैत्र मास शुक्ल पक्ष और नवमी, नवमी में यह आयोजित होता है। यहाँ पर इस दिन शोभा यात्रा निकाली जाती है इस पूरे क्षेत्र में। माना जाता है पुनौरा धाम जो है, पुनौरा धाम वहां से शोभा यात्रा निकलती है पूरे शहर को घूमते हुए, फिर पुनौरा धाम तक पहुंचती है, झांकियां निकलती है माँ जानकी, राम भगवान, लक्ष्मण, बजरंगबली, इन सब की माँ पार्वती, कहीं पर दुर्गा, इन सब की भी झांकियां निकलती है, और पूरे क्षेत्र में पुनौरा धाम से होते हुए फिर दोबारा वहां पर आती है और एक अच्छा मेला आयोजित किया जाता है उस दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंहनेश्वर का जो मेला है यह शिवरात्रि में आयोजित होता है और मधेपुरा में, मधेपुरा में शिवरात्रि के दिन शिवजी का एक मंदिर है, शिव मंदिर, वहां पर यह आयोजित होता है शिवरात्रि के दिन में, और बड़ा हर्षोल्लास का यह मेला है। कई और मेलों के बारे में भी आप अलग से भी लिख सकते हैं, ऐसा जितना मैंने लिखवाया आप चाहे तो अलग भी लिख सकते हैं। सबौर मेला ना, सबौर मेला भागलपुर, मुजफ्फरपुर मेला भी आप लिख सकते हैं। मुजफ्फरपुर मेला जो है पुस्तक मेला है ना, मुजफ्फरपुर मेला जो है एक प्रकार से कहा जाए यह एक पुस्तक मेला है। ऐसे कई मेले आप और भी चाहे तो, राजगीर मेला, माघ मेला, कई मेले हुए तो आप उसको लिख सकते हैं। मैंने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सब डिस्कस कर दिया। अब है इसका महत्व, जो तीसरा पार्ट है हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट वाला पार्ट, वह आएगा अब इसका महत्व। महत्व सबसे बड़ा महत्व है कल्चर, कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन, संरक्षण, संस्कृति का संरक्षण होता है सबसे बड़ी बात। दूसरा पॉइंट एक तरह से कहा जाए कि हम लोग अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ट्रांसफर करते हैं ना, संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। एक्सक्यूज मी, दूसरा, तीसरा, तीसरा है धार्मिक सौहार्द, है ना, धार्मिक सहिष्णुता बढ़ता है, धार्मिक सौहार्द, सहिष्णुता, सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस एंड बढ़ता है। जैसे क्योंकि देखो जैसे मान लेते हैं वैशाली मेला, तो वो तो जैन धर्म का है लेकिन वहां तो हिंदू भी पहुंचेंगे। कोई एक मेला है मान लेते हैं सोनपुर का मेला, वहां तो सभी लोग पहुंचते हैं, मुस्लिम भी पहुंचते हैं, तो क्या ये इससे धार्मिक सौहार्द नहीं बढ़ता, धर्म निरपेक्षता नहीं बढ़ती है समाज में, बढ़ता है। फिर अगला ये सामाजिक सौहार्द भी बढ़ता है, है ना, सामाजिक सौहार्द भी बढ़ता है। इस प्रकार से आप इसके इम्पोर्टेंस को रेखांकित आप लोग कर सकते हैं। फिर जैसे देखिए कुछ अधिक कुछ विशेष प्रकार के मेला है, उस आधार पर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे पशुपालन, इससे पशुपालन प्रमोट होता है, पशुपालन वगैरह गतिविधियां आगे बढ़ती है, सोनपुर है ना, आगे है ना, ज्ञान का विस्तार होता है। इसके अंतर्गत में आप मुजफ्फरपुर मेला दीजिए जो पुस्तक मेला है,
है ना, ज्ञान का विस्तार होता है। स्थानीय उत्पाद को एक्सपोजर मिलता है, स्थानीय उत्पाद का एक्सपोजर मिलता है, तो इसमें जरूर लोकल फॉर वोकल वाली संकल्पना आप दीजिए। रोजगार, रोजगार सृजन होता है, अर्थव्यवस्था को एक तरह से बूस्ट किया जाता है, बूस्ट होता है अर्थव्यवस्था, जीडीपी बढ़ती है। तो आप इस ढंग से इसके महत्व को जरूर लिखें, यही आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिलवाएगा। आप चाहें इससे ज्यादा भी आप महत्व लिख सकते हैं, लेकिन हाँ याद रखें ऐसा ना हो कि आप लीक से हटकर काम करें, जो मेन चीज है उस पर फोकस। चलिए फिर मिलते हैं अपने नए लोग एक नए क्वेश्चंस के साथ, किसी के नमस्कार।